ये गंजीफा है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रही मैडम। हाँ गंजीफा है, गंजीफा मुझे विष्णु के 10 अवतार। दोस्तों आप सभी का इस्तकबाल है कोकनी माउंटेन यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको इस खास एपिसोड में 600 साल पुराने पर्शियन एम्पायर में खेले जाने वाले खेल की इन्फॉर्मेशन दूंगा, जो हमारे कोकन में भी खेला जाता था और ये आज भी खेल जिंदा है, इसकी तफसीली जानकारी मैं आपको दूंगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं बात कर रहा हूँ गंजीफा खेल के बारे में। गंजीफा खेल जो है पर्शिया यानी आज का ईरान, उस वक्त ईरान काफ़ी बड़ा था, बहुत सारी कंट्रीज बाद में जो पर्शिया एम्पायर जो थी डिवाइड हो गए और बहुत सारी कंट्रीज बन गए। तो यहाँ के रॉयल कोर्ट में गंजीफा खेल खेला जाता था। गंजीफा का मतलब है ट्रेजर, ट्रेजरर, खजाना, और उसी खजाने के नाम से जो कार्ड्स बनाए गए जो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर टाइप के, और उसके ज़रिए से रॉयल कोर्ट में खेल खेला जाता था। 16th century के शुरू में मुगलों ने इसको हिंदुस्तान में लेकर आए, और हिंदुस्तान में आने के बाद अलग अलग रॉयल फैमिलीज इसको इस खेल को खेलने लगे, जो ख़ास दरबारों में खेला जाता था, नवाब राजे बादशाह इसको खेलते थे। हिंदुस्तान में इसके ऊपर मजहबी रंग चढ़ा, जैसे हम देखते हैं प्ले कार्ड जो होते हैं जैसे रमी वगैरह और जो गेम खेलते हैं, इसका रेक्टेंगुलर साइज़ के कार्ड होते हैं, फिक्स साइज़ होगी और उसके नंबर 1, 2, 3 और क्वीन किंग और जो भी है ये फिक्स है। लेकिन गंजीफा जो है वो हर रॉयल कोर्ट के हिसाब से इसके ऊपर जो बनाए जाने वाले जो डिज़ाइन थे या उसके ऊपर जो प्रिंट थी, ये अपने अपने मज़हब के हिसाब से इन्होंने इसको चेंज कर दिया। जैसे मुग़ल कोर्ट में मुग़ल गंजीफा, सावंतवाड़ी की रॉयल फैमिली जो थी सावंत, खेम सावंत भोसले, वहाँ पे दशावतार गंजीफा, आज के इस एपिसोड में हम लोग दशावतार गंजीफा की मालूमात हासिल करेंगे। मैं आपको सावंतवाड़ी के दरबार हॉल में लेके जाऊंगा जहां पर इसके पत्ते या कार्ड जो है ना, प्ले कार्ड जो बनाए जाते हैं। उसके बाद रामायण गंजीफा, राशि गंजीफा, अष्टमल्ला गंजीफा, नक्श गंजीफा, मैसूर चाट गंजीफा, अकबर गंजीफा, ममलुक गंजीफा और फ्रेंच सूटेड गंजीफा। तो ये 10 तरह के गंजीफा खेल जो है हिंदुस्तान में खेले जाते थे। आपको बता दूं कि मुग़ल जो डायनेस्टी थी या मुगलिया सल्तनत जो थी, उसके जो फाउंडर थे या बानी थे बाबर, तो उन्होंने अपनी बायोग्राफी या सवान हयात जो लिखी गई थी उसका नाम था बाबरनामा, और 933 हिजरी यानी 1527 में बाबरनामा लिखा गया, उसमें इस खेल के बारे में ज़िक्र किया गया, इसका बताया गया। लेकिन इसकी और डिटेल जो थे बाद में अकबर के ज़माने में जो किताब लिखी गई थी आईने अकबरी, तो आईने अकबरी में इसकी पूरी डिटेल्स लिखी गई। तो अलग अलग रॉयल कोर्ट में जिन नामों से हिंदुस्तान में खेल खेला गया वो भी आपको मैं बता दिया, किसने हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस किया इस खेल को भी बता दिया, और इस खेल का मतलब भी बता दिया। और तकरीबन ये 600 साल से ज़्यादा अरसा हो गया इस खेल को, और ये बहुत अच्छी बात है कि इसके सावंतवाड़ी में जो हमारी कोकण की भोसले सावंत रॉयल फैमिली, यहाँ की रानी सत्यशीला देवी जी जो 2018 में एक्सपायर्ड हो गई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मुझे भी 2017 में उनसे मिलने का मौका मिला था, बहुत अच्छी लेडी थी। इन्होंने जो है पुराने जो आर्टिस्ट थे, ये हाथ से बनाया जाता है, इसके ऊपर आर्टिस्ट आप अगले इसमें देखेंगे, आगे लास्ट है 2.5 मिनट्स का वीडियो है जिसमें देखेंगे आर्टिस्ट किस तरह से बनाते हैं।
तो इन्होंने पुराना जो आर्टिस्ट थे उनको वापस बुला के लेकर आए दरबार में और लोगों को इनके साथ जोड़ दिया और इसके कार्ड्स बनाने का काम शुरू किया था। थोड़ी सी बैक हिस्ट्री में जाएंगे 18th century में तो ट्रैवलर कास्टन निकबार इन्होंने अरब ताजरों को चाइनीज़ गंजीफा कार्ड्स खेलते हुए देखा था। उसी तरह अरबस्तान में 19th century में जीन लुइस बर्कहार्ट ने वहाँ के कॉफ़ी हाउसेस या जिसको कहवा खाने कहते हैं में चाइनीज़ कार्ड खेलते देखा। यही खेल बाद में फ्रेंच डेक के नाम से भी मशहूर हो गया पूरी दुनिया में। 15th century के इजिप्शियन यानी मिस्री हिस्टोरियन उनका नाम था जमालुद्दीन यूसुफ बिन अल अमीर सैफुद्दीन तगरीबिर्दी जिनको इन शॉर्ट कहते हैं इब्न तगरीबिर्दी। इन्होंने अपनी किताब में गंजीफा खेल का जिक्र किया है यानी इसके बारे में लिखा है और ये कब लिखी थी 15th century में किताब लिखी थी यानी 1421 या समथिंग को जो वो डेट थी 15th century का शुरू में इसके इस खेल का जिक्र किया था। बाद में तुर्किस्तान की उस्मानी सल्तनत के तुर्कों ने ये खेल जो है गंजीफा और गैम्बलिंग इसको स्टॉप कर दिया उसके ऊपर पाबंदी लगा दी थी क्योंकि इससे गैम्बलिंग शुरू हो गई थी लोग पैसे से खेल रहे थे लोग बर्बाद हो रहे थे। इसलिए 16th century से 19th century तक 1922 में या 23 में आपको मालूम है जो तुर्क ये थी अब डायनेस्टी उसका खात्मा हो गया था 100 years तक। अभी 2023 में उनके ऊपर जो पाबंदियाँ लगी थी वो ख़त्म होने वाली है। तो ये थी इन शॉर्ट हिस्ट्री। अभी देखिए अगला पार्ट इसका जिसमें मैं आपको सावंतवाड़ी के रॉयल कार्ड में कार्ड जो बनाने वाले हैं वो मैडम जो आपको एक्सप्लेन करेंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग कम्प्लीट वीडियो आप देखिए और वंस अगेन जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपका एक सपोर्ट चाहिए आप सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें कैसा लगा वीडियो। और मैं बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ कि सावंतवाड़ी में यानी हमारे कोकण की एक रॉयल फैमिली ने इस खेल को ज़िंदा रखा है और अभी के जो मौजूदा जो प्रिंसेस जस्ट मैरिड श्रद्धा भोसले जी है ये भी बहुत ही इंटरेस्ट यंगेस्ट है अभी रिसेंटली 2020 में इनकी शादी हुई है वहाँ की युवराज से और इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं लोग। थैंक यू। ये गंजीफा मतलब तुम्हें गंजीफा तो सांगा ना कहे थोड़ा सा सांगा सांगा हाँ ये गंजीफा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही मैडम। हाँ सांगा सांगा मराठी हिंदी कोटली भाषा तुम्हाला आवडेल ती सांगा। हा गंजीफा आहे गंजीफा म्हणजे विष्णूचे 10 अवतार मत्स्य कुर्मा वराह नृसिंह वामन परशुराम राम कृष्ण बौद्ध आणि कलंकी असे 10 अवतार असतात आणि कसं खेळायचं त्यासोबत तुम्हाला माहिती पुस्तिका दिली जाते। नवग्रह असेल ते 118 राशी असेल ते 144 प्रत्येक प्रकारचे गेम आम्ही इथे बनवतो। त्याशिवाय टॅरो कार्ड प्लेन कार्ड पैसे वर लावून खेळायचे नसतात ते आध्यात्मिक खेळ असतात। सावंतवाडी संस्थानचा गंजीफा म्हणजे विष्णूचे 10 अवतार। व्हेरी गुड नाईस आणि हे आणि हा एक त्याचा खेळ आहे। हा जो आहे सिम्बॉल हा कृष्ण अवतार सिम्बॉल हा कृष्णाचा आहे ना कृष्ण अवतार याच्या बरोबर येणार। हा मत्स्य म्हणजे माशाचा अवतार येणार। बाण आहे रामाचा अवतार वामन बट्टूचा अवतार वामन बट्टूचा अवतार हा वामन म्हणजे बट्टूचा अवतार बौद्ध बसलेला अवतार कल्की युद्धाचा अवतार कुर्म म्हणजे कासव वराह म्हणजे असा अवतार येणार त्याचा वराहचा असा अवतार याचंही असा अवतार हा खेळ म्हणजे तो पब्लिक पण अशी जनता पण खेळणार का फक्त नाही सगळे लोक खेळतात आपण पण विकत घेऊ शकता आपण पण खेळू शकता त्याच्यावर माहिती पुस्तक येतं कसं खेळायचं ते। अच्छा हा खेळ कुठून ऍक्च्युअली आलेला आहे आज बाहेर त्यावेळी की नाही बाहेर देशातून तो आलेला त्यावेळी राजे लोकांच्या वेळी इराण वराज त्यासाठीचा तो खेळ आहे मग इथे राजेसाहेबांनी कसं जुने कारागीर घेऊन त्यावेळी ते बनवलेला आहे आता हे लोकांना आता नवीन नवीन लोक घेऊ तो आता हा काळ
चालू ठेवलेला आहे, हा प्रचलित आहे अजून गंजिबा भेटणार आणि इथेच बनतो ना, राजे लोक जे खेळतात ना तेच गेम आम्ही इथे बनवतो, बाहेर तुम्हाला कुठे भेटणार नाही, इकडेच मिळत जातात. व्हेरी गुड, नाईस, थँक्यू 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 बाय. कुठून आला सर? मी मुंबईहून आलो ठाणे. आप जब भी सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के सावंतवाड़ी में शहर में विज़िट करेंगे तो रॉयल जो पैलेस है वहाँ विज़िट कीजिए, वहाँ के आर्टिस्टों को मुलाकात कीजिए, वहाँ की रॉयल म्यूज़ियम को ज़रूर देखिए. 30 रुपये फ़ीस है, नेक्स्ट टाइम कितनी बढ़ेगी मालूम नहीं, लेकिन एक बार देखिए इन्होंने बाकायदा म्यूज़ियम भी बनाई है. और ये शहर वाकई बहुत देखने के लायक है, खूबसूरत है, और इस कला को इन्होंने संभाल के रखा है. साथ ही लकड़ी के खिलौने भी यहाँ बनते हैं इस शहर में, और ये बिकते भी हैं, जो बहुत मशहूर है, बहुत पुराना यहाँ का ये फ़न है. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए. बाय बाय, थैंक यू.